हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CCIM चेतन चौधरी मैथ्स ट्यूटोरियल। वैसे तो अपने चैनल मैथमेटिक्स का है, बट हम लोग आप लोगों के लिए हरदम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं बाकी सब्जेक्ट का भी। तो अभी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ इंग्लिश का बोर्ड पेपर सॉल्यूशन, क्योंकि ये टॉपर स्टूडेंट की आंसर शीट है और मैं क्वेश्चन पेपर के साथ ये आंसर शीट भी आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाए किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम के जो पेपर्स है, आंसर शीट्स है, लिखे जाते हैं। ये है बोर्ड पेपर प्रेजेंटेशन का स्पेशल लेक्चर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे अंग्रेजी लिखा है, सेमी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे का है। तो ये 6 तारीख को हुआ था, 6 मार्च 2023 को। और मार्क्स कितने मिले स्टूडेंट को, आप देख सकते हो 79 मार्क्स है 80 में से लैंग्वेज में। तो पहला जो है सेक्शन हम चेक करेंगे कैसे लिखा है। सेक्शन 1 जो है वो है लैंग्वेज स्टडी। आप देख सकते हो लैंग्वेज स्टडी में, ये देखिए लैंग्वेज स्टडी में क्या था, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय करेक्ट लेटर्स। तो ये पेपर है, तो POPLE पीपल होता है। तो ये देखिए पीपल, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैच, MATCH मैच होता है। तो ये कंप्लीट करना था, क्या स्टूडेंट ने सही लिखा, बिल्कुल लिखा, ये देखिए मैच। उसके बाद था हाउस, HO, वो कंप्लीट करना था वो वर्ड, अडल्ट, ADULT, अडल्ट। कितने मार्क्स के लिए था ये, 2 मार्क्स के लिए। तो पूरे 2 मार्क्स, मतलब हाफ हाफ मार्क्स का था एक एक। उसके बाद आपको क्या करना था, ये पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना था। तो ये देखिए यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सर्वाइव, लीडर, डिस्कस एंड प्रेजेंट। तो यहाँ पे ये पेपर सॉल्यूशन मैंने खुद ने दिया था। देखिए पहले नंबर पे डिस्कस आता है, फिर लीडर आता है, प्रेजेंट एंड सर्वाइव। चेक करते हैं क्या इसने ऐसे लिखा है, यस, डिस्कस, लीडर, प्रेजेंट, सर्वाइव। फिर उसके बाद था ये लाइट, लॉयल, लक एंड लार्ज। पहला था लार्ज, क्योंकि ए पहले आएगा, यल के बाद ए, तो वहाँ पे फर्स्ट लाइट को सेकंड, थर्ड को लॉयल, ठीक है, और ये थर्ड फोर्थ वाला लक, सही है। इसके बाद पंक्चुएट वाला क्वेश्चन था 2 मार्क्स के लिए, वेल आई विश यू लक सीताराम। देखो W कैपिटल निकालना था, I भी कैपिटल निकालना था, यस, और सीताराम का यस कैपिटल चाहिए था। किस क्या किया इसने, देखते हैं, वेल आई विश यू लक सेठ सीताराम। अब देखिए ये जो है ना यहाँ पे गलत कर दिया है, तो इसको क्रॉस मार दिया है, यस। तो इस तरीके से आपको मार्क्स नहीं दिए जाते हैं अगर वो आप लोगों ने सही तरीके से नहीं लिखा, क्योंकि ये सेट के बाद आपको कॉमा लगाना था। आई हैव सीन योर समवेयर। देखिए इसके बाद नेक्स्ट था व्हाट्स योर नेम लिटल वन आस्क। देखिए व्हाट्स योर नेम लिटिल वन आस्क द टीचर। यहाँ पे क्या कि इसने व्हाट्स योर नेम लिटिल वन आस्क के बाद क्वेश्चन मार्क लगा। ये हो सकता है कि भले ही टॉपर स्टूडेंट है लेकिन ये गलत कर दिया इसने, तो इसका तो इधर मार्क्स चला गया है, यस, इधर ही मार्क्स चले गए। तो देखते हैं द टीचर, तो ये गलत कर दिया इसने, तो इसके तो मार्क्स कट गए। व्हाट्स योर नेम के बाद क्या चाहिए था, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए मैंने सोल्यूशन दिया था उस समय, तो यहाँ पे मैं लिखा था व्हाट्स योर नेम, क्वेश्चन मार्क कर दिया था। लिटिल वन आस्क द टीचर, पी देव सर मैथ्स 1 मैथ्स 2 रिक्वेस्ट प्लीज। ओके ओके, हो जाएगा ना, एग्जाम से पहले ही हो जाएगा। फिर उसके बाद थे वर्ड्स, बेंच मार्क से आपको नए वर्ड बनाने थे। देखो मैंने यहाँ पे बनाया था बेंच, नेक, मेन, मार्क, ईयर, बैंक। इसने क्या किया है, बेंच, मार्क, हेन, कैन, केक, ठीक है। 2 डेज में मराठी पेपर, राज मराठी का पेपर था। इसके बाद ये क्वेश्चन 1, ये जो था स्कूल दिया था यहाँ पे, वेब डायग्राम कंप्लीट करनी थी। देखिए यहाँ पे स्कूल देना था, तो स्कूल से रिलेटेड वर्ड क्या थे, मैंने लिखा था फेमस, ग्राउंड, क्लासरूम, स्टूडेंट्स, टीचर। तो इसने क्या लिखा, जो है स्कूल, फेमस, अमेजिंग, बिग, लवली, ब्यूटीफुल। अच्छा स्कूल के जो है ना, यहाँ पे स्कूल किस रीजन के, मतलब स्कूल से रिलेटेड ये करना था आपको, वहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव्स लिखना था। तो फेमस था, अमेजिंग, लवली, ये आप डाल सकते हो। ये देखिए
नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको वर्ब की चेन कंप्लीट करनी थी। ये देखिए थिंक के बाद मैंने लिखा था कीप, फिर पुट, टेक, ईट, इसने क्या लिखा है चेक करते हैं। थिंक के बाद कीप ही लिखा है, पुट ही लिखा है, टॉक लिखा है एंड किस। ये बंदा कुछ अलग ही है, ये देखो भाई दूसरे वर्ड मिले नहीं किसको। टॉपर है सर, हाँ टॉपर ज्यादा ही। इसका टॉक आ गया था, मैंने टेक के बाद ईट कर दिया था। चलिए कोई बात नहीं, तो ये लिख लिया है इसने। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर वन बी में देखिए कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर वन बी ये था ग्रामर सेक्शन। डू एज डायरेक्टेड 2 मार्क्स के लिए था। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज टू लुक आफ्टर, इस में आपको लिखना था। देखो वी शुड लुक आफ्टर अवर पेरेंट्स, तो ये फ्रेज यूज करना था। एड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस एक्सपांड। आई सिलेक्टेड 3 पोएम्स, तो यहाँ पे लिखो आई सिलेक्टेड 3 पोएम्स विच आई लव मोस्ट। आई का कैपिटल चाहिए। मैंने लिखा था विच आई लाइक मोस्ट, ये देखिए मैंने भी यही लिखा था आई लाइक मोस्ट, बट आई यहाँ पे कैपिटल निकालना पड़ता है। विच मैंने लाइक लिखा था, इसने लव लिखा है, ठीक है चलेगा। निखिल गेमर हाय सर हाउ आर यू, आई एम फाइन, आप कैसे हो। फिर उसके बाद था प्रीफिक्स लगाना था या फिर सफिक्स। करेज मैंने लिखा था इनकरेज, इसने लिखा है डिसकरेज। ओके वंडर वंडरफुल सही है, इसने भी वंडरफुल ही लिखा था। ये मैंने सॉल्यूशन दिया था खुद से 2023 बोर्ड का पेपर का। मेक मीनिंगफुल सेंटेंस करेज से लिखना था, तो यू शुड फेस सिचुएशन बाय करेज, इसको करेक्ट दिया है। मैंने लिखा था आई रिक्वायर करेज टू जॉइन इंडियन आर्मी, इट रिक्वायर्स, ओके ये ऐसे लिखा था। फिर वंडर के लिए आई वंडर टू सी यू इन माई स्कूल, यहाँ पे इसका होगा यू योर कार इज वंडर, भाई रॉन्ग है ये, इसलिए इसको कट मार दिया है, ये गलत है इसका। सर मैथ्स वन के मोस्ट आई एम पी क्वेश्चन दे दो, मैथ्स वन के ऑलरेडी दिए, आप लोग चेक करिए अपना जो लाइव सेक्शन है उसमें मिल जाएंगे आपको। देखो ये गलत हुआ था इसका सेक्शन, मतलब ऐसे पेपर चेक होते हैं प्रॉपर तरीके से। सेक्शन टू जो था टेक्सचुअल पैसेज, ये देखिए ये पैसेज दिया था आपको यहाँ पे, और ये पैसेज आपको लिखना था और उसके आंसर लिखना था ट्रू और फॉल्स। मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग, ट्रू था ये, सही लिखा इसने बराबर है। सेकंड वाला जो है ये भी ट्रू था, अ लार्ज शेडी टैमरिन ट्री ग्रू एट वन एंड ऑफ द बाजार, ट्रू था। मिसेस भूषण वॉज फैनिंग हरसेल्फ विद अ स्मॉल हैंडकरचीफ, फॉल्स, देखते हैं फॉल्स लिखा, यस पहले दो ट्रू दूसरे दो फॉल्स। महारिविजन कब होंगी, महारिविजन होगी आप लोगों की एग्जाम से एक दिन पहले, मैथ्स के पेपर से एक दिन पहले। फिर ये देखिए नेक्स्ट वाला जो था, इसमें आपको क्या करना था, ये कैरेक्टर्स इन द पैसेज, कैरेक्टर्स इन द पैसेज लिखना था आपको यहाँ पे, जैसे कमल किशोर, कुक दिया था यहाँ पे, फोटोग्राफर, ओनर, तो ये कंप्लीट करना था। महारिविजन होगी आप लोगों के पेपर से पहले, उसके बाद ये कंप्लीट करना था आपको। देयर इज ओल्ड शिव टेम्पल एट द एंड ऑफ द विलेज, ये देखिए बराबर है। द ट्रैवलर टू सेट फॉर द अर्ली इन द मॉर्निंग एट द एंड ऑफ द लिखा इसने, ऐसा नहीं है, यहाँ पे आएगा ट्रैवलर वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड टू सेट आउट, ये था सही। उसके बाद एस्टरडे द पीपल पॉपुलर कॉलोनी टू कंप्लेन ऑफ द फॉर्मर लेफ्ट हिज फॉर्म इन सर्च ऑफ हिज, यस बराबर इन सर्च ऑफ हिज लॉस्ट काउ। महारिविजन में जो आई एम पी क्वेश्चन आएंगे दे दोगे सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, इट इज इट अलाउ, अगर आज बॉल पेन यूज किया है तो कल दूसरा, यस कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा मराठी का पेपर सोपा होता, चांगला गेला मराठी का पेपर तुमचा। देखो यहाँ पे मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू शॉपिंग, पिक इन्फिनेटिव क्या आएगा, ये देखो टू डू करेक्ट। आई हर्ड अ कंप्लेंट, तो ये आपको बिगिन करना था अ कंप्लेंट से, मतलब
चेंज द वॉइस, अ कंप्लेंट वॉज हर्ड बाय मी, सही है, मैंने दिया था ये, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन दिया था. डू यू लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, वाई, यहाँ पे आपको लिखना था, तो ये देखिए उसका पॉइंट ऑफ व्यू लिखना था खुद का, क्योंकि ये पर्सनल रिस्पॉन्स है. यस आई लाइक ऑनलाइन शॉपिंग बिकॉज वी कैन सी वेराइटी टाइप ऑफ मटेरियल ऑन जस्ट अवर फिंगर टिप्स. इन समर वी आर एबल टू ऑर्डर एनी थिंग फ्रॉम आउटसाइड बाय सिटिंग एट होम. अवर टाइम एंड एनर्जी ऑल्सो सेव बाय ऑर्डरिंग ऑनलाइन. ऑल्सो वी कैन ऑर्डर फूड इट सी, ऐसा लिखा है, इसको दो मार्क्स दिए गए हैं. तो आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए. फिर ये आपको टेबल कंप्लीट करना था, तो ये देखिए टेबल इसने कंप्लीट कर दिया है. हु सेड टू हुम, किसने किसको कहा. उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे डिस्क्राइब द मीनाज कैरेक्टर था, मीनाज का कैरेक्टर यहाँ पे डिस्क्राइब करना था. बी टू में था, तो मीना वॉज फॉर एवर अनहैप्पी किया है. वेन एवर द राइटर मेट हर शी वुड स्टार्ट टू फील डिप्रेस, जब भी राइटर उससे मिल रहा था उसको लग रहा था वो डिप्रेस हो जाती थी. हर ग्लूम एंड साइनेसिज्म हैड स्प्रेड टू अदर्स, ये लिखने के बाद हो गया. ओके अब देखिए इसके बाद आपको अपोजिट वर्ड लिखने थे, बैड का गुड, हैप्पी का अनहैप्पी, नेवर का फॉर एवर, ऑप्टिमिस्टिक का पेसिमिस्टिक. चेक करते हम, ये देखिए मैंने लिखे थे यहाँ पे फॉर एवर ऑलवेज और पेसिमिस्टिक, करेक्ट है. फिर ये ग्रामर, श्वेता इज अ वेरी गुड ब्यूटीफुल गर्ल, एक्सक्लेमेटरी लिखना था, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल श्वेता इज. ये देखो मैंने पहले ही सॉल्यूशन दिया था पिछले साल, सही था बिल्कुल. फिर उसके बाद नेक्स्ट है मीना इज LIC ऑफिसर, WH क्वेश्चन, व्हाट इज मीना. हु इज मीना भी लिख सकते हैं आप. If you have a friend like Meena, what your attitude towards her? अगर आपकी फ्रेंड मीना के जैसे होंगी तो कैसे आपका एटीट्यूड रहेगा. तो यहाँ पे लिखा है इफ आई हैव फ्रेंड लाइक मीना देन माई एटीट्यूड टूवर्ड्स हर विल बी आई वुड नॉट टॉक विथ हर, आई विल ट्राई टू कन्विंस हर टू चेंज हर बिहेवियर. चाहिए यूर बिहेवियर इज नॉट ओके, आई विल advise her to adjust about some things. I will try to rescue her habit. थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा है इसका आंसर, बट फिर भी इसको दो मार्क्स दिया है क्योंकि 10वीं का लेवल का पेपर है, फिर भी इसको दो मार्क्स दिया है. ठीक है, वो थोड़ा सा प्रॉपर वर्डिंग जो है ना वो नहीं आ रही, हो क्या ब्लरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे. टीनेजर्स प्रेयर, ये जो है पोएम आई थी सेक्शन 3, ये देखिए टीनेजर्स प्रेयर. टाइटल लिखना था, नेम ऑफ द पोएट, रैमिंग स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच, ये देखिए लिखा है इसने, रैमिंग स्कीम भी लिखा है, नेम ऑफ द पोएट भी लिखा है. उसके बाद उसका थीम, सेंट्रल आइडिया जो रहता है, फिगर ऑफ स्पीच, सब कुछ लिखा है. स्ट्रिक्ट चेक नहीं किया, हाँ बिल्कुल स्ट्रिक्ट इतना चेक नहीं लग रहा मुझे, नहीं तो इंग्लिश में और कम मार्क्स आते, इतने ज़्यादा नहीं आते, तो कभी कभी होता है स्ट्रिक्ट चेक नहीं करते वैल्यूअर. तो आप लोग अगर लिख के रखते हो अच्छे से तो आप लोगों को मार्क्स दिए जाते हैं. ओके, ये तो पूरा पोएट्री वाला था, ये देखिए. फिर सेक्शन 4 था नॉन टेक्सुअल पैसेज, जो था यहाँ पे श्री रमेश तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर, तेंदुलकर जो क्रिकेटर है उनके बारे में ये था. और पूरा ये पढ़ने के बाद आपको वेव डायग्राम कम्प्लीट करना था. अवार्ड्स सचिन ने जो जीते हुए हैं, अर्जुन अवार्ड, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत, वहाँ से लिखने थे. ये देखिए अर्जुन अवार्ड, भारत रत्न, पद्म विभूषण, तो ऐसे. तो ये पेन से भी बना सकते हो आप, ये इसमें ऐसा कुछ नहीं पेंसिल से बनाना करके, पेन से भी डाल सकते हो आप डायग्राम, अलाउ किया बोर्ड ने. डेब्यू मतलब क्या होता है, तो फर्स्ट परफॉर्मेंस. रिसीव मतलब गॉड. फॉर्मर मतलब प्रीवियस. फॉर्मर बोलते हैं ना, फॉर्मर जो है, फॉर्मर PM मतलब पिछला जो प्रीवियस था. फॉर्मर कैप्टन बोलते हैं आप, जैसे MS धोनी, फॉर्मर कैप्टन मतलब क्या होता है, ये जो प्रीवियस था. ये देखिए मैंने किया था यहाँ पे, पूरा लगा दिया था. और डेटी मतलब क्या होता है, डेटी मतलब गॉड. उसके बाद ही विल मेक हिज डिब्यूट,
ये देखिए ही मेड हिज डेबिट मेक इट सिंपल फ्यूचर टेंस सिंपल फ्यूचर ही विल मेक इट डेबिट ही रिसीव द अर्जुना अवार्ड क्वेश्चन टैग करना था तो डिडंट ही क्योंकि कौन सा टेंस था ये पास्ट टेंस था तो इसलिए डिडंट ही आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो डू यू लाइक टू प्ले गेम्स व्हाई आपको गेम खेलना पसंद है तो क्यों है वो भी लिखना था फिर यहाँ पे इसने लिखा आई लाइक टू प्ले गेम्स बिकॉज प्लेइंग इज माई हॉबी गेम्स हेल्प अस टू लिव फिट एंड फाइन गेम प्रोवाइड्स अस हैप्पीनेस ओके स्ट्रेस बस्टर है ऐसा कुछ लिख सकते हो आप मेंटली और फिजिकली आप थोड़ा फिट रहते हो तो ये सब आप लोगों को प्रॉपर रीजन के साथ लिखना होता है आपको दो मार्क्स देखो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाते हैं तो वहाँ पे आपका जो है स्किल्स देखे जाते हैं आपके राइटिंग स्किल्स देखे जाते हैं साथ ही साथ आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको भी एनालिसिस किया जाता है चलिए ठीक है तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर यहाँ पे आपको समरी लिखना था तो समरी राइटिंग है ये तो फोर मार्क्स के लिए थी समरी राइटिंग जो पैसेज दिया था उसका जो है आपको वन थर्ड लिखना होता है क्वेश्चन नंबर फाइव जो है लेटर राइटिंग है आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फाइव में है लेटर राइटिंग पांच मार्क के लिए लेटर राइटिंग देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप के लेटर है यहाँ पे ज़्यादातर के बच्चे जो है फॉर्मल टाइप लेटर लिखते हैं मतलब ऑफिशियल लेटर जो होता है ये देखिए फॉर्मल लेटर यहाँ पे लिखा है आनंदी जाधव यहाँ पे उसका एड्रेस डाल दिया है और किसको लिख रहा है टू ऑफिस इंचार्ज ये देखिए यहाँ पे जो दिया रहता है ना इंचार्ज टूरिज्म डिपार्टमेंट चिकलदारा डिस्ट्रिक्ट अमरावती तो ये लिखा पूरा यहाँ पे ओके और यहाँ पे उसका खुद का एड्रेस यहाँ पे बोला इमेजिन यू आर आनंदी और आनंद जाधव तो इसने लिखा है आनंदी जाधव मेन रोड ये एड्रेस डाल दिया और जिस जैसे पेपर जिस दिन का रहेगा 6 मार्च का था तो वही डेट डाला था यहाँ पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब मार दो जल्दी से फिर सब्जेक्ट डालना होता है आपको टू विजिट चिकलदारा फिर उसके बाद रिस्पेक्टेड सर करके आप यहाँ से फिर डाल सकते हो अब देखिए ये पॉइंट्स यहाँ पे दिया है मेक यूज फॉलोइंग पॉइंट्स ड्यूरेशन टोटल कॉस्ट वगैरह यहाँ पे देखो कंसेशन एंट्री फीस अकोमोडेशन डिटेल रहने का जो है वो डिटेल फूड फैसिलिटी प्रीवियस फॉर ऑनलाइन बुकिंग तो यहाँ पे लिखा है इसने आई एम आनंदी जाधव आई एम स्टूडेंट ऑफ द छेड़पी हाई स्कूल अमरावती आई एम लर्निंग इन 10th क्लास आई एम ऑल्सो स्कूल यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग है आई एम ऑल्सो स्कूल एग्जीबिशन ओके ओके स्कूल एग्जीबिशन एग्जीक्यूशन कमिटी मेंबर ओके तो यहाँ पे ठीक है इसने लिखा है बराबर से सर आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू विद अ स्पेशल पर्पस माय क्लास वांट्स टू विजिट चिकलदारा नियरली 60 स्टूडेंट वांट्स टू विजिट दिस प्लेस वी आर गोइंग टू विजिट दिस प्लेस इन लास्ट वीक ऑफ मार्च लास्ट वीक ऑफ मार्च में हमें जाने मतलब जाना है विजिट करना है आवर टीचर्स एंड टू पियोन विल बी विद अस वी आर गोइंग टू विजिट दिस प्लेस बाय आवर स्कूल बस तो उसने पूरा डिटेल दे दिया हम कैसे आने वाले हमारे साथ कौन आने वाला है सर वी वांट टू विजिट दिस प्लेस बिकॉज वी वांट टू एंजॉय फ्लोरा फन फॉन देयर वी हैव लर्न बर्ड्स लाइव इन आवर साइंस टेक्स्ट बुक ओके उसने पूरा ओवरऑल इंफॉर्मेशन दे दिया वो हमें क्यों जाना है वहाँ पे क्या करना है तो ये सब कुछ चीज़ें उसने बताया है यहाँ पे फिर उसके बाद पूरा इन्फॉर्मेशन फिर उसके बाद उसने पूछा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू सेंड अस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आप मुझे इन्फॉर्मेशन सेंड करिए अरेंजमेंट सेंड कर दीजिए अकोमोडेशन का कैसा है प्रोसीजर कैसे बुकिंग की फूड वगैरह का जो कुछ चार्ज रहेगा सब पूछा है यहाँ पे और इफ़ यू कैन सेंड अस अबाउट इन्फॉर्मेशन देन वी प्रिपेयर आवर सेल्फ मतलब हम अपना प्लान करते हैं ऐसा इसने बोला है ठीक है थैंकिंग यू करो यूअर्स फेथफुली लास्ट में अपना नाम लिख दो हो गया तो इस तरीके से आपको लेटर राइटिंग करना होता है फिर आता है ड्राफ्टिंग स्पीच तो स्पीच में आपको देखिए यहाँ पे बोला है ड्राफ्ट द स्पीच ये नीचे है स्पीच जो है हेल्थ एंड डाइट पे है वहाँ के पॉइंट्स यूज करने होते हैं आपको स्पीच में आपको स्टार्ट करना होता है द प्रेसिडेंट ऑफ टूडेज प्रोग्राम ऑनरेबल चीफ गेस्ट एंड द रिस्पेक्टेड टीचर्स हेडमास्टर ऑफ आवर स्कूल एंड माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इस तरीके से तो ये अगर फॉर्मेट आप लोगों ने अगर दिया तो फिर आपको मार्क्स मिलते हैं और फॉर्मेट वाइज ही आप लोगों को लिखना होता है स्पीच
जैसे आप स्पीच डिलीवर करते हो, कोई भी आपकी डेबेट ये कंपटीशन डिबेट कंपटीशन होती है, तो आप अपनी स्पीच जैसे डिलीवर करते हैं वैसे सेम तरीके से यहाँ पे आपको डिलीवर करना होता है स्पीच, लेकिन लिखना होता है। यहाँ पे आपका ग्रामर भी, आपका थॉट प्रोसेस अगेन मैटर करेगा। आपका थॉट प्रोसेस अगर क्लियर है और आपका ग्रामर क्लियर है तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन आप लोगों की मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। आपका पेपर जो है नीट एंड क्लीन रहेगा तब जाके सब कुछ आप लोगों को पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये पेपर कब का है? ये पेपर 2023 का है तेजस, 2023 का है बोर्ड पेपर। वर्बल टू नॉन वर्बल, यहाँ पे इंफॉर्मेशन अबाउट अमीर एंड अनीता दिया था, ये देखिए ये आपको पहले वर्बल टू नॉन वर्बल में क्या होता है पैराग्राफ दिया है वो पढ़ना पड़ेगा और फिर आ जाएगा। एज आमिर का और अनीता का कंपेयर करके लिखना था। क्लास, फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन, हीज हर क्वालिटी, हॉबीज, इंटरेस्ट एंड एम्बिशंस, फ्यूचर प्लान्स जो लिखना है। देखिए तो यहाँ पे ऐसा आपको ये बॉक्स टेबल दिया था, तो ये टेबल आप लोगों को कंप्लीट करना था। ये देखिए एज, क्लास 10th और 12th डाल दिया। फादर्स ऑक्यूपेशन बिजनेसमैन है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर है। मदर्स ऑक्यूपेशन हाउसवाइफ है, दूसरे की डॉक्टर है। हर क्वालिटी, हिज क्वालिटी जो है मतलब उनकी क्वालिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड डायनामिक, दूसरा है स्ट्रॉन्ग एंड सेंसिटिव। हॉबी जो है आउटडोर गेम्स है, इधर बर्ड वॉचिंग, इधर इंडोर गेम्स, सिंगिंग, पेंटिंग। एंड जो ला उसका एम है वो क्या है, जो फाइनल क्या बोलते हैं उसको, एम्बिशंस एंड द फ्यूचर प्लान्स, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, और इधर है आर्ट स्ट्रीम। तो इस तरीके से फ्यूचर प्लानिंग भी यहाँ पे बताई गई है। ZP स्कूल इनकरेज किड्स टू टेक द अप एक्स्ट्रा रीडिंग, ये देखिए न्यूज़ राइटिंग वाला है, ये न्यूज़ आर्टिकल, राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट, रिपोर्ट राइटिंग वाला है ये। ZP स्कूल इनकरेज किड्स टू टेक एक्स्ट्रा रीडिंग, जो आपका न्यूज़पेपर में हेडलाइन आती है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मेक यूज दिस द फॉलोइंग गाइडलाइंस, हेडलाइन, डेडलाइन, इंट्रोडक्शन, उसका शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ एंड कंक्लूजन, ये आपको लिखना था यहाँ पे। सोर्स लिखा है द टाइम्स ऑफ इंडिया यहाँ पे, और फिर स्टार्ट कर दिया। देखिए सांगली अपना जो गांव रहेगा वो नाम लिखना है, मतलब गांव का नाम, और 16th अक्टूबर का ये न्यूज़ है, तो ये न्यूज़ ऐसे पैराग्राफ में डालना है और फाइनल यहाँ पे हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो 4 मार्क्स सबको, सॉरी 4.5 मार्क्स मिला है इसको, 5 मार्क का था ये, तो 4.5 मार्क्स आपको भी मिल सकते हैं, 4.5 मार्क्स। सेक्शन 6 स्किल डेवलपमेंट, अभी इसमें देखिए स्किल डेवलपमेंट में क्या होगा, क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, मतलब पूरा क्लियर हो जाता। ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू मीडियम, योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसका मीनिंग होता है जो आपकी जो जो लैंग्वेज है, मातृभाषा है, उसमें आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट, सो सक्सेस, पेरेंट्स, रूट, और इमेजिन, और रिफ्यूज, ठीक है। तो ये यहाँ पे आता है सेक्शन स्किल महत्व, यहाँ पे आएगा फर्स्ट इम्पोर्टेंट मतलब महत्व, सक्सेसफुल मतलब यश, पालक मतलब पेरेंट्स, रूट मतलब मार्ग, और यहाँ पे जो है इमेजिन मतलब होता है कल्पना, और रिफ्यूज मतलब होता है नाकारने। फिर यहाँ पे आपको देना है, ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करके यहाँ पे डालना है। तो ये ट्रांसलेशन के बाद आपको मिला है यहाँ पे पूरा, देखिए ट्रांसलेट करना है आपके मीडियम में करना ही है। आई सॉ समथिंग हॉरिबल, कुकिंग इज अ साइंस, मेक अ स्टडी टाइम टेबल, ही स्पोक मोस्ट इम्प्रेसिवली। तो ये मराठी में लिखे हैं, मी काहीतरी भयंकर पाहिलं होतं, अभ्यासाचा वेळ व्यवस्थापन बनवा तो खूप प्रभावित बोलत होता, आणि जनसेवा हीच ईश्वर सेवा, पेराल तसं उगवेल, हे आहे खालचे इथे फ्रेजेस। तर इथं जे प्रोवाब दिलेलं आहे तर त्याला आपल्याला काय करायचं आहे, मराठीमध्ये लिहायचं आहे, ठीक आहे। तर हे आहे पूर्ण पेपर, तर चांगला लिहिलेला आहे। थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ, चॅनल को सबस्क्राईब करके रखे, बेल आयकॉन प्रेस कर दीजिए। बाय, टेक केअर, ऑल द बेस्ट।